हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही हो गए। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। सो यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्विक शिफ्टर के बारे में। यार, आप में से काफ़ी सारे भाइयों ने पूछा था कि आपकी बाइक में क्विक शिफ्टर कितना अच्छे से काम कर रहा है, काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो यार, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि R15 के अंदर किस किस बाइक में क्विक शिफ्टर मिलता है। सो यार, R15M के दो वेरिएंट्स हैं और दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर स्टैंडर्ड क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है। R15M के दोनों वेरिएंट्स के अंदर क्विक शिफ्टर कंपनी से इंस्टॉल होके आता है, लेकिन R15 V4 रेसिंग ब्लू के अंदर भी क्विक शिफ्टर दिया गया है जो कंपनी से ही इंस्टॉल होके नहीं आता। तो भाई, R15 V4 रेसिंग ब्लू के अंदर जो क्विक शिफ्टर दिया जाता है वो यहाँ के सर्विस सेंटर से इंस्टॉल होता है। सो मेरी बाइक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस बाइक के साथ क्विक शिफ्टर आया था, लेकिन वो इंस्टॉल हुआ था सर्विस सेंटर में। लेकिन भाई, क्विक शिफ्टर इंस्टॉल होने के बाद उसको एक्टिवेट करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपको क्विक शिफ्टर यूज़ करना है तो उसके लिए आपकी बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर एक्टिवेट भी होना चाहिए। तो यार, R15M और R15 V4 के अंदर क्विक शिफ्टर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का एक प्रोसेस है। क्विक शिफ्टर एक्टिवेट होने के बाद ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो भाइयों, मेरी बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर इंस्टॉल हो रखा था, लेकिन जब मैंने बाइक ली थी तब इस बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर एक्टिवेट नहीं हुआ था। सो इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करवाना भी ज़रूरी है। अगर आप R15 V4 रेसिंग ब्लू परचेज करते हो तो बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर को इंस्टॉल करवाने के बाद एक्टिवेट भी ज़रूर करवाना। सो यार, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि क्विक शिफ्टर कैसे एक्टिवेट होता है और कैसे डीएक्टिवेट होता है। सो गाइस, अभी मेरी बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर लगा हुआ है, इंस्टॉल हो रखा है और एक्टिवेट भी हो चुका है। सो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्विक शिफ्टर को कैसे डीएक्टिवेट करना है। तो भाइयों, डीएक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको बाइक को बंद करना है, फिर आपको क्लच दबानी है और भाई फिर आपको सेकेंड गियर लगाना है और गियर को होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स तक। और अभी जब 10 सेकेंड्स हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको बाइक का स्विच ऑन करना है। तो भाई, अभी 10 सेकेंड्स हो चुके हैं, अभी बाइक का स्विच कर लेते हैं ऑन और गियर को अभी भी आपको होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स तक। गियर को आपको छोड़ना नहीं है, गियर को आपको रिलीज़ नहीं करना है, अभी भी होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स तक। और 10 सेकेंड तक होल्ड करने के बाद जब आप इसको रिलीज़ करोगे तब यहाँ पे क्विक शिफ्टर एक बार इंडिकेट होगा। ये देखो गाइज, यहाँ पे क्विक शिफ्टर एक बार इंडिकेट हो चुका है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर क्विक शिफ्टर भी एक बार दिखा था, दैट मीन्स कि आपकी बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर डीएक्टिवेट हो चुका है। सो गाइज, अभी मेरी बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर पहले एक्टिवेट था, लेकिन उसको मैंने अभी आपको डीएक्टिवेट करके दिखाया है। तो भाइयों, यही सेम प्रोसेस अगर हम फिर से रिपीट करते हैं तो क्विक शिफ्टर एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बाइक को करते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल करने के बाद स्विच करते हैं ऑफ और सेकंड गियर लगाते हैं और होल्ड करके रखना है 10 सेकंड्स तक। क्लच को रिलीज़ कर देना है, अपवर्ड पोजीशन में होल्ड करके रखना है भाई और 10 सेकंड्स तक वेट करना है, उसके बाद स्विच को ऑन करना है। तो भाई, अभी 10 सेकंड्स हो चुके हैं तो स्विच कर लेते हैं ऑन, लेकिन यहाँ पे गियर को होल्ड करके रखना है अभी भी। स्विच ऑन होने के बाद भी 10 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है। और अब जैसे ही मैं गियर को रिलीज़ करूँगा फिर उसके बाद 5 टाइम्स क्विक शिफ्टर इंडिकेट होगा, क्विक शिफ्टर इंडिकेटर 5 टाइम्स ब्लिंक करेगा, दैट मीन्स कि आपकी बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर एक्टिवेट हो चुका है। ये देखो गाइज, अभी 5 टाइम्स क्विक शिफ्टर इंडिकेट हो रहा है, यानी कि अभी 5 टाइम्स क्विक शिफ्टर ने ब्लिंक किया। सो इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर अभी 5 टाइम्स क्विक शिफ्टर इंडिकेट हुआ, क्विक शिफ्टर की लाइट ब्लिंक की, दैट मीन्स कि आपकी बाइक के अंदर अब क्विक शिफ्टर एक्टिवेट हो चुका है और अब आप क्विक शिफ्टर को यूज़ कर सकते हो। और भाई, क्विक शिफ्टर एक्टिवेट होने के बाद जब हम बाइक चलाते हैं तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने के बाद यहाँ पे क्विक शिफ्टर शो होने लग जाता है, दैट मीन्स कि आप क्विक शिफ्टर को यूज़ कर सकते हो। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर क्विक शिफ्टर कैसे शो होता है। सो बाइक को अभी करते हैं राइड। तो भाई, अब बाइक पहुँच गई है, ये देखो भाई, अब यहाँ पे क्विक शिफ्टर शो हो रहा है। सो अभी हम क्लच लेस गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। ये देखो भाई, मैंने 5th गियर अभी लगा दिया। ये देखो भाई, अभी क्विक शिफ्टर उसमें शो हो रहा है। जैसे ही हम अप शिफ्ट करते हैं तो क्विक शिफ्टर शो होता है। सो इसका मतलब है कि आप क्विक शिफ्टर को यूज़ कर सकते हो, वो एक्टिवेट हो चुका है। तो भाइयों, आज की वीडियो थी क्विक शिफ्टर के बारे में। लेकिन भाई, अगर आप R15 V4 रेसिंग ब्लू वेरिएंट परचेज करते हो तो फिर सर्विस सेंटर से आपकी बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर इंस्टॉल होगा, लेकिन उसको इंस्टॉल करवाने के बाद एक्टिवेट करना भी ज़रूरी है। अगर आपको क्विक शिफ्टर यूज़ करना है तो फिर क्विक शिफ्टर को एक्टिवेट करना भी ज़रूरी है। सो जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं उन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करके क्विक शिफ्टर को एक्टिवेट भी कर सकते हो और डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ हो तो लाइक ज़रूर कर देना।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @K2K Moto Vlogs। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।